स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि CBSE ने जैसा कि बोला था कि वो 20 तारीख को पोर्टल ओपन कर देंगे मार्क्स अपलोडिंग के लिए। और आप सभी को ये भी पता है कि CBSE ने जो लास्ट डेट थी रिजल्ट को फाइनल करने की वो 30 मई थी, उसको एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है। सो पोर्टल ओपन हो चुका है, जिन लोगों ने अगर अपने मार्क्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो वो आगे की प्रोसेस को कर सकते हैं और देख सकते हैं कि CBSE जब डेटा को अपलोड करने के लिए आपको पोर्टल देगी और जब आप अपना डेटा अपलोड करेंगे सो उस डेटा को अपलोड करने के बाद अगर आपके डेटा में कुछ वेरिएशन है, जो कि CBSE ने रूल्स आपको बताया था, अगर आपका डेटा वेरी कर रहा है सो क्या आपका डेटा अपलोड होता है, अगर अपलोड होता है तो उसके अंदर कुछ एरर्स आती हैं और किस तरह की एरर्स आती हैं, क्या सब कुछ आपको मिलेगा, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSE का जो पोर्टल है वो किस तरह से ओपन करना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। CBSE के पोर्टल तक आपको किस तरह से पहुंचना है ये मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था। सो मैं डायरेक्टली आपको उस पोर्टल पे लेके चलता हूँ। सो ये है CBSE का पोर्टल, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ये लिंक यूज़ कर सकते हैं और ये लिंक मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस पेज पर पहुंच सकते हैं। अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन है, मैं फिर से लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं इस लॉगिन स्क्रीन पे प्रॉपर तरीके से आ जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी डालना है जो कि आपके स्कूल का एफिलिएशन नंबर है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और यहाँ पे ये जो नीचे दिया हुआ सिक्योरिटी कोड है ये आपको इंसर्ट करना है। जब आप ये इंसर्ट करके लॉगिन करेंगे सो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। सो देखिए मैं यहाँ पे यूजर आईडी डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये जो सिक्योरिटी पिन है इसे एंटर कर रहा हूँ। इतना करने के बाद मुझे लॉगिन करना है। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि ये पोर्टल लॉगिन हो चुका है। पहले जब मार्क्स अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं था तब यहाँ पे सिर्फ 3 टैब थे, होम, लॉगआउट एंड हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे डाउनलोड फाइल के अंदर डाउनलोड ब्लैंक मास्टर, अपलोड फाइल के अंदर अपलोड फाइनल मार्क्स, रिव्यू डेटा के अंदर चेकलिस्ट और एडिट डेटा, फाइनलाइज डेटा के अंदर एवरेज और मीन रिपोर्ट एंड फाइनलाइज डेटा और फाइनल रिपोर्ट का आपको ऑप्शन दिखने लग गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें थ्योरी मार्क्स को अपलोड करने के लिए किन चीज़ों को फॉलो करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपको इंस्ट्रक्शन नंबर 3 से लेकर इंस्ट्रक्शन नंबर 14 तक अच्छे से पढ़ लेना है। मैं यहाँ पे एक एक इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से समझा देता हूँ। 3rd नंबर का इंस्ट्रक्शन है, क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन अबव द डाउनलोड एम्प्टी एक्सेल। डाउनलोड फाइल के ऊपर जाएंगे, डाउनलोड ब्लैंक मास्टर के ऊपर जाएंगे, जब आप इस पेज पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक बटन मिलेगा टू डाउनलोड एम्प्टी एक्सेल फाइल। ठीक है, सो जैसे ही आप उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक ब्लैंक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस ब्लैंक एक्सेल फाइल में आपको क्या मिलेगा वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। 4th पॉइंट है, डाउनलोडेड फाइल विल हैव ऑल सब्जेक्ट्स टेकन बाय कैंडिडेट। जो फाइल डाउनलोड होगी उसके अंदर सारे सब्जेक्ट के कोड और उनके मैक्सिमम मार्क्स मेंशन होंगे। आपको आउट ऑफ 80 या आउट ऑफ 50 जो मार्क्स आए हैं वो फिलअप करने हैं, वो भी राउंड फिगर में, होल नंबर्स में, पॉइंट में मार्क्स आपको एंटर नहीं करने हैं। एंटर द मार्क्स अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट, आपको हर सब्जेक्ट के आगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं। मार्क्स शुड बी आउट ऑफ मैक्स मार्क्स एज मेंशन इन द एक्सेल शीट। हर एक सब्जेक्ट के आगे आपको उसके मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए हैं तो आपको उतने मैक्सिमम मार्क्स में से ही मार्क्स को देना है। जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है तो सारे सब्जेक्ट के आगे 80 लिखा होगा, जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं उनके आगे 50 लिखा होगा क्योंकि उनके मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स हैं। ठीक है, एंटर वैलिड मार्क्स और AB फॉर एब्सेंट इन येल्लो मार्क कॉलम इन एक्सेल फाइल अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट। सो आपको येल्लो कॉलम के अंदर हर एक सब्जेक्ट का एक येल्लो कॉलम दिया हुआ है, उस येल्लो कॉलम में यहाँ तो आपको वैलिड मार्क्स करने हैं। अब वैलिड मार्क्स क्या है, वैलिड मार्क्स होल नंबर वाले मार्क्स हैं। ठीक है, पॉइंट में आप एंटर नहीं करेंगे, आप होल मार्क्स को एंटर करेंगे और एब्सेंट अगर आपका कोई स्टूडेंट है तो आप उसको AB मेंशन करेंगे। मार्क्स शुड नॉट बी एंटर्ड इन डेसिमल, इट मस्ट बी इन इंटीजर ओनली। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मार्क्स डेसिमल में नहीं होंगे, वो इंटीजर होंगे, होल नंबर होंगे, 50, 55, 52, 53, 54, पॉइंट में एक भी मार्क्स नहीं होंगे। डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट कोड और एंटर अ न्यू सब्जेक्ट इन द एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्क्स को मेंशन करना है आउट ऑफ 80। उसके अलावा आप कोई नया सब्जेक्ट उसके अंदर नहीं बना सकते, नया कॉलम आप उसके अंदर नहीं बना सकते, किसी बच्चे को ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी आप नहीं कर सकते। आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है, आप जब ये फाइल डाउनलोड कर लेंगे, जब आप उसको फिल कर लेंगे, फिर आपको अपलोड फाइल के अंदर अपलोड फाइनल मार्क्स के ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड योर फाइल। आप वहां पे अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जनरेट द चेकलिस्ट एंड चेक इट थॉरली बिफोर फाइनलाइजेशन। तो अब चेकलिस्ट कहां से जनरेट होगी? चेकलिस्ट जनरेट होगी रिव्यू डाटा के अंदर। तो रिव्यू डाटा के अंदर जाएंगे, वहां पे चेकलिस्ट के ऑप्शन पाएंगे और चेकलिस्ट को जनरेट करके देखेंगे। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बार चेकलिस्ट जनरेट होने के बाद आपका जो डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है और जो अपलोड फाइल का ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी बच्चे के मार्क्स को चेंज करना है तो आपको एडिट डेटा के ऊपर जाके चेंज करना रहेगा। आप एक एक बच्चे के एक एक मार्क्स को एडिट डेटा के ऊपर जाके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि चेकलिस्ट जनरेट होने के बाद डाउनलोड फाइल और अपलोड फाइल का जो सेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एडिट करने के लिए ऑप्शन कहां से रहेगा? रिव्यू डाटा के अंदर एडिट डाटा, ये भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अब 11 नंबर पॉइंट में देख लीजिए, जो चीज मैंने अभी आपको बता दी है, इन केस ऑफ करेक्शन यू कैन यूज एडिट डेटा ऑप्शन इन रिव्यू डेटा अबव, डू नॉट एडिट एनी अदर इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम मार्क्स। तो जो आपने मार्क्स एंटर करे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 50, आपको सिर्फ उसी को ही एडिट करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझने की है, ये जो 13 और 14 नंबर का पॉइंट है, इसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है। प्लीज इंश्योर दैट एवरेज मीन ऑफ थ्योरी मार्क्स एंटर्ड बाय यू फॉर अ स्टूडेंट डज नॉट वेरी प्लस टू माइनस टू मार्क्स ऑफ रेफरेंस ईयर सब्जेक्ट एवरेज मार्क। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जो कंडीशन आपको मिलेगी वो है कि पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के जो एवरेज मार्क हैं रेफरेंस ईयर के और करंट ईयर के, ठीक है, उसमें जो वेरिएशन है, करंट ईयर में जो वेरिएशन है वो प्लस टू या माइनस टू का होना चाहिए, जो कि सीबीएसई ने हमको पहले ही बोला हुआ था। वही कंडीशन उन्होंने यहाँ पे भी लगाई हुई है, ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पे भी चेक हो रही है। फिर दूसरी कंडीशन है, प्लीज ऑल्सो इंश्योर दैट टोटल एवरेज मीन ऑफ द थ्योरी मार्क्स इज सेम एज रेफरेंस ईयर टोटल एवरेज मार्क। सो जो भी पांचों सब्जेक्ट का जो टोटल एवरेज थ्योरी मार्क्स हो रहे हैं रेफरेंस ईयर के और करंट ईयर के, सो करंट ईयर या तो रेफरेंस ईयर के बराबर हो सकता है या फिर कम हो सकता है, जैसा कि सीबीएसई ने पहले भी हमें कहा था। सो वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी। सो दो कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है, सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क में प्लस टू माइनस टू का वेरिएशन और टोटल एवरेज मार्क के अंदर, टोटल ऑल फाइव सब्जेक्ट के एवरेज मार्क में या तो वो इक्वल होंगे या फिर कम होगा, यही दो कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। सो जब आप फाइनलाइज डेटा के अंदर एवरेज मीन रिपोर्ट पे जाएंगे, ठीक है, अभी आपको फाइनलाइज डेटा नहीं करना है, फाइनलाइज डेटा आप तभी करेंगे जब आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि सब कुछ हो गया है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप एवरेज मीन रिपोर्ट को देख सकते हैं। एवरेज मीन रिपोर्ट में जब आप देखेंगे तो वहां पर रेफरेंस ईयर की सारी चीजें दी होंगी और वहां पे करंट ईयर की सारी चीजें आ जाएंगी जब आप डेटा को अपलोड कर देंगे। सो अगर रेफरेंस ईयर से करंट ईयर का सारी चीजें मैच हो रही होंगी तो वहां पे कुछ भी आपको एरर शो नहीं होगी। अगर वहां पे कुछ मैच नहीं कर रहा होगा सो करंट ईयर में उस डेटा को सीबीएसई ने ऐसी टेक्निक यहां पे दी हुई है कि वो डेटा रेड कलर से शो होने लग जाएगा और आपको रेड कलर से एक मैसेज वहां पे मिलेगा दैट इन योर करंट ईयर डेटा सम थिंग्स आर नॉट मैचिंग टू द रेफरेंस ईयर। ठीक है, वहां पे इस तरह से आपको एक मैसेज हाईलाइट होता हुआ दिखेगा और वो सब्जेक्ट्स आपके हाईलाइट हो जाएंगे जिनके अंदर कॉन्स्पेरेंसी आ रही होगी। ठीक है, सो अगर किसी भी चीज में वेरिएशन मिलेगा सो द डेटा विल नॉट बी फाइनलाइज। ठीक है, सो अगर वेरिएशन रहेगा तो डेटा फाइनलाइज नहीं होगा, आप चाहेंगे भी तो भी डेटा फाइनलाइज नहीं होगा जब तक उसके अंदर कुछ वेरिएशन होगा। चेकलिस्ट मस्ट बी थॉरली चेक बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा एज नो मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल आफ्टर दैट। ठीक है, सो चेकलिस्ट को आपको थॉरली चेक करना है। एक बार अगर आपने फाइनलाइज डेटा कर दिया तो कुछ भी मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। इन केस ऑफ करेक्शन मॉडिफिकेशन यू कैन री अपलोड द फाइल आफ्टर नेसेसरी करेक्शन इन योर फाइल, हाउएवर री अपलोड इज नॉट पॉसिबल आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, सो चेकलिस्ट जनरेट करने के पहले पहले आप डेटा को बार बार अपलोड कर सकते हैं, बट चेकलिस्ट अगर आपने जनरेट कर दी है सो उसके बाद आप वापस से डेटा को अपलोड नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने चेकलिस्ट यहाँ पे जनरेट कर दी थी, ठीक है, ये मेरी चेकलिस्ट है, इसको मैंने जनरेट कर दिया था। सो अब अगर मैं अपलोड फाइनल मार्क्स के ऊपर जाऊँगा तो मैं यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डाउनलोड के ऑप्शन को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने चेकलिस्ट के अंदर जाके चेकलिस्ट को जनरेट कर दिया था। ठीक है, सो ये मेरी चेकलिस्ट यहाँ पे जनरेट हो गई थी, इसलिए मैं अब अपलोड और डाउनलोड का ऑप्शन यूज नहीं कर सकता हूं। अब अगर मुझे एडिट करना है डेटा को सो मुझे रिव्यू के अंदर एडिट डेटा के ऊपर जाना है। इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू मार्क्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस तरह से सारे मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और जब आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के आगे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे
सो वो चीज़ एडिट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से एडिट वो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सो आप एडिट कर सकते हैं आफ्टर जनरेशन ऑफ द चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट के जनरेशन के बाद आप एडिट डेटा कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो। और उसके बाद आप चलते हैं एवरेज मीन रिपोर्ट के ऊपर, जो कि फाइनलाइज डेटा के अंदर आपको मीन रिपोर्ट दी है। जब आप मीन रिपोर्ट के ऊपर आएंगे तो आपको इस तरह से रेफरेंस ईयर वर्सेस करंट ईयर का परफॉर्मेंस मिलेगा। यहाँ पे गेट डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे डाटा मिल जाएगा, ठीक है, रेफरेंस ईयर का और करंट ईयर का। अगर आपने डाटा अपलोड कर दिया होगा तभी आपको करंट ईयर का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई देगा, वरना ये ब्लैंक दिखाई देगा। अब अगर आपके करंट ईयर और रेफरेंस ईयर में कहीं पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्शन होंगे करंट ईयर के मार्क्स में, ठीक है, अगर एवरेज सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क में प्लस टू माइनस टू से ज़्यादा वेरिएशन होगा, टोटल एवरेज मार्क जो है पांचों सब्जेक्ट के उसमें अगर आपका कुछ वेरिएशन होगा तो यहाँ पे रेड कलर से, ठीक है, एक चीज मेंशन आपको दिखाई देगी कि देयर इज सम कॉन्सपरेंसी इन योर डेटा, और यहाँ पे करंट ईयर के परफॉर्मेंस में वो सब्जेक्ट की सारी चीजें रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगी। सो आपको पता पड़ जाएगा कि आपके इस डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। सो आप उसको एडिट डेटा में जाके वापस से सही कर सकते हैं, ठीक है। एडिट डेटा में जाके आप उन स्टूडेंट्स का या उन सब्जेक्ट का डेटा को चेंज करेंगे, फिर से आप एवरेज मीन रिपोर्ट पाएंगे, सो आप वो एरर यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। करेक्शन करने के बाद अगर आपका सब्जेक्ट वाइज एवरेज रेफरेंस ईयर से मैच कर गया है, ओवरऑल एवरेज रेफरेंस ईयर से मैच कर गया है, सो वो जो एरर आपको शो हो रही थी वो एरर यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि CBSE ने बोला था कि ब्रॉड रेंज में आपके बच्चे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब आप एवरेज मार्क्स को और ओवरऑल एवरेज को बराबर करने की कोशिश करेंगे या कंडीशन से मैच करने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो है वो ब्रॉड रेंज में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रॉड रेंज CBSE नहीं देख रहा है, यहाँ पे CBSE जो चीज़ चेक कर रहा है वो दो ही चीज़ें हैं, एक तो सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क और दूसरा ओवरऑल एवरेज, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाएं तब आपको फाइनलाइज डेटा में जाके डेटा को फाइनल करना है और फिर फाइनल रिपोर्ट में जाके रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको मार्क्स कैसे फिल आउट करने हैं जो CBSE की फाइल है उसके अंदर, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये फाइल मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो कॉलम CBSE ने बोला था, सो सब्जेक्ट वन थ्योरी, ठीक है, एंड सब्जेक्ट वन मैक्सिमम मार्क्स, सो आउट ऑफ 80 आपको यहाँ पे मार्क्स फिल करने हैं फॉर द सब्जेक्ट वन। सिमिलरली फॉर द सब्जेक्ट टू तीन कॉलम दिए हुए हैं, सब्जेक्ट टू का कोड, सब्जेक्ट टू के थ्योरी मार्क्स जो आपको फिल करने हैं और सब्जेक्ट टू के मैक्सिमम मार्क्स। ऐसे ही सब्जेक्ट थ्री, यहाँ 041 और 241 मैथमेटिक्स के अंदर स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही तरह के बच्चों के मार्क्स आपको फिल आउट करना है, अगर आपने स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों को ही ऑप्ट करा हुआ है तो आउट ऑफ 80 आपको ये भी फिल करना है। सिमिलरली सब्जेक्ट फोर येलो कलर के कॉलम में आपको मार्क्स जो हैं वो फिल करने हैं, वो भी इंटीजर में, होल नंबर में, पॉइंट में नहीं फिल आउट करने हैं। सब्जेक्ट फाइव आउट ऑफ 80 एंड सब्जेक्ट सिक्स जो कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है या स्किल सब्जेक्ट है, वोकेशनल सब्जेक्ट है, सो आउट ऑफ 50। तो इस तरह से आपको इस शीट में मार्क्स को फिल अप करना है और इसे सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपको इसको अपलोड वाले टैब के अंदर जाके अपलोड कर देना है। आपको दो चीज़ें चेक करनी है, मैं बार बार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको दो चीज़ें मैच करनी है, एक तो सब्जेक्ट वाइज एवरेज और दूसरा ओवरऑल एवरेज। जब आप सब्जेक्ट वाइज एवरेज और ओवरऑल एवरेज को मैच कर देते हैं तो आपके बच्चे जो ब्रॉड रेंज CBSE ने दी है उसके अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं उस ब्रॉड रेंज के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। आपको ये नहीं देखना है कि एकदम एग्जैक्ट जगह पे वो होने चाहिए, जैसे मान लीजिए 50-60 के अंदर बोला है चार, तो वहाँ पे चार ही होना चाहिए। अगर वहाँ पे पाँच हो रहा है या चार से कम हो रहा है तो थोड़ा बहुत CBSE उसको अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एवरेज और ओवरऑल एवरेज को ही देख रहे हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड और बेसिक का, जैसे कि उन्होंने बताया था कि जिन्होंने बेसिक लिया है उनको रेफरेंस ईयर 2020 लेके चलना है। रेफरेंस ईयर जब आप 2020 लेके चलेंगे तो आपको वहाँ पे ब्रॉड रेंज नहीं मिली है। जिनका रेफरेंस ईयर 18 है या 19 है उनको स्टैंडर्ड के लिए ब्रॉड रेंज मिली है, बेसिक के लिए ब्रॉड रेंज नहीं मिली है। सो आप स्टैंडर्ड की ही ब्रॉड रेंज लेके चल सकते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड का जो परसेंटेज दिया हुआ था उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके करंट के बेसिक के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उन परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं
टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मान लीजिए आपके टोटल 40 बच्चे हैं, उसमें से 10 आपके बेसिक के हैं, 30 आपके स्टैंडर्ड के हैं। सो आप स्टैंडर्ड के लिए अकॉर्डिंग टू द 30 स्टूडेंट आप उन परसेंटेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, और आप बेसिक के जो 10 स्टूडेंट हैं उनको उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट कन्वर्ट कर दीजिए। सो आपको स्टैंडर्ड और बेसिक के दोनों ही अलग अलग ब्रॉड रेंज मिल जाएंगे, दोनों के ही अलग अलग एवरेज परसेंटेज मिल जाएंगे। सो इस तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो जिनको भी स्टैंडर्ड और बेसिक का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। हालांकि CBSE ने एक चीज़ ये भी बोली थी कि वो क्योंकि बेसिक के अंदर बच्चों का परफॉर्मेंस 2020 के अंदर बहुत कम था और अभी के परफॉर्मेंस में थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, सो ये प्रॉब्लम सभी के स्कूल में है। CBSE ने बोला था कि वो इसके लिए नई पॉलिसीज लेके आएंगे, बट अभी तक तो कुछ नई पॉलिसीज अपडेट नहीं हुई है वेबसाइट पे। जैसे ही कोई नई पॉलिसी अपडेट होती है मैं आप लोगों को डेफिनेटली वीडियो बना के इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप अपना ये प्रोसेस करके रख सकते हैं। ठीक है, आप एवरेज रिपोर्ट तक जो प्रोसेस है आपका कंप्लीट करके रख सकते हैं, क्योंकि आप डेटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपने फाइनलाइज नहीं करा हो तब तक आप डेटा को एडिट कर सकते हैं। सो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अभी आप डेटा को फाइनलाइज मत करिए, उसको एडिट मोड में रहने दीजिए, ताकि अगर आपको कुछ एडिट करना है अकॉर्डिंग टू द CBSE पॉलिसी, क्योंकि रिजल्ट की डेट एक्सटेंड हो गई है, सो हो सकता है थोड़े दिनों में पॉलिसी आ जाए, तो तब तक आप अपने डेटा को एडिट मोड में रहने दीजिए। क्योंकि आप जब तक एडिट मोड में रहेंगे आप किसी भी मार्क्स को एडिट कर सकते हैं, एक बार अगर आपने फाइनलाइज कर दिया तो आप फिर एडिट नहीं कर सकते। तो इतना प्रोसेस आप अपनी तरफ से कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, जैसे ही कुछ फाइनलाइजेशन होता है बेसिक का, क्योंकि स्टैंडर्ड का तो सभी का हो चुका है, मुझे पता है स्टैंडर्ड में किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, जो प्रॉब्लम आ रही है वो बेसिक में आ रही है। तो बेसिक का जैसे ही कुछ डिसीजन फाइनल होता है आप बेसिक के मार्क्स को भी फाइनल करके अपने रिजल्ट को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो पर प्लीज़ लाइक करिए। जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी क्या होता है कि वीडियोस पे लाइक नहीं आते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कंटेंट अच्छा है या खराब है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, शेयर करने में आपको बहुत ही कम समय लगता है। आप कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हैं, सो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए, नए वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, जैसे मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। सो फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ।